दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन है, हर वो कोशिश की जा रही है जिससे कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सके, फिर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। बताते हैं आपको कोरोना ने दुनिया भर में अब तक कितनी तबाही मचाई है। देश में कोरोना के 10,363 मामले, 339 कोरोना मरीजों की मौत, कोरोना के 1,036 मरीज ठीक हुए, एक दिन में कोरोना के 1,211 केस, 24 घंटे में 31 लोगों की मौत, 24 घंटे में 179 मरीज हुए ठीक। गृह विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कंट्रोल रूम से समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, अब तक 5,000 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है, तो वहीं राशन की आपूर्ति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। गरीबों को ध्यान में रखते हुए 3 महीने तक 5 किलो फ्री राशन देने की सुविधा है। मजदूरों की समस्या निपटाने के लिए शिकायत केंद्र बनाया गया है जहाँ मजदूर अपनी समस्याओं को साझा कर सके। वहीं जनधन खाता धारकों को सरकार आर्थिक मदद दे रही है और सरकार की ओर से 97.8 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर बांटे गए हैं। वहीं ICMR ने जानकारी दी कि कल से अब तक देश में 21,635 कोरोना टेस्ट किए गए और अब तक 2,31,902 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें ICMR की 166 और 70 निजी लैब में टेस्ट किए गए। कोरोना से सबसे ज्यादा तबाही जिन इलाकों में देखने को मिल रही है, वहां पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी और वहां की सरकारों से उठाए गए कदमों पर जानकारी ली जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि दूर दराज के इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 19,34,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया भर में कोरोना से मची तबाही, जहां अमेरिका में कोरोना के मामले 5,87,000 से ज्यादा है। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 23,000 के पार पहुँच चुकी है। इटली में संक्रमितों की संख्या 1,59,000 से ज्यादा है। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 20,000 है। स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 1,72,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं स्पेन में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,30,000 है, तो वहीं जर्मनी में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि कोशिश जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन तैयार करने की है। DB लाइव की रिपोर्ट।